दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट के बारे में, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वेल्डेड जॉइंट। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और कोशिश करता हूँ हर बात समझाने की। ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट की अगर बात करें तो रिवेटेड जॉइंट की तरह ही इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जब दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर जोड़ा जाए वेल्ड की सहायता से, तो उस वेल्डेड जोड़ को फिलेट वेल्ड कहते हैं, फिलेट वेल्ड। और अगर दोनों को एक दूसरे से सटाकर वेल्ड के द्वारा जोड़ा जाए तो उसको बट वेल्ड कहते हैं। तो पहला कौन सा वेल्ड हो गया भैया? फिलेट वेल्ड। पहला कौन सा वेल्ड? फिलेट वेल्ड। दोस्तों पहला वेल्ड हो गया हमारा फिलेट वेल्ड। कैसे जुड़ा हुआ है? एक प्लेट ये है और इसके ऊपर एक दूसरी प्लेट ऐसा रख दिया हमने, और इसके बीच में हमने क्या कर दी? वेल्डिंग। इस तरीके से वेल्डिंग कर दी दोस्तों, और ये हमने लोड लगाया। तो क्या हुआ? एक प्लेट ये है हमारे पास और इसके ऊपर एक दूसरी प्लेट ऐसे रख दिए, और इसको हमने इधर से और इधर से और इधर से वेल्ड किया। चूंकि एलिवेशन में हम ये वाले फेस और ये वाले फेस को नहीं दिखा पाएंगे, तो ये वाला फेस दिख पा रहा है, तो इधर किए हैं, बाकी इस साइड भी और इस साइड भी। तो इस तरह के वेल्ड को हम क्या कहते हैं? फिलेट वेल्ड। और दूसरा एक वेल्ड है बट वेल्ड। बट वेल्ड, बट वेल्ड में क्या करते हैं? दो प्लेटों को एक दूसरे से सटाकर और तब इसे किसकी सहायता से? वेल्ड की सहायता से जोड़ते हैं। तो इस वेल्ड को क्या कहते हैं दोस्तों? इस वेल्ड को हम बट वेल्ड कहते हैं। बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक ये प्लेट है और एक हमारी ये दूसरी प्लेट है। बात कहीं भी नहीं समझ में आएगी, आप जरूर बताएंगे। ध्यान दीजिए, तो दोस्तों बट वेल्ड हम लोगों ने पढ़ लिया और फिलेट वेल्ड, और दो ही वेल्ड है और दोनों वेल्ड को हमें खत्म करना है। तो पहले हम फिलेट वेल्ड से शुरुआत करेंगे, है ना? तो फिलेट वेल्ड में हम बात करेंगे फिलेट वेल्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। दोस्तों फिलेट वेल्ड का डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा ऐसे, ये हमने डायग्राम पढ़ा, फिर से बना दे रहे हैं। इस तरह का डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा ऐसा, और ये वेल्डिंग कर दिए इस साइड, ये इधर वेल्डिंग कर दिए, अब लोड इधर लगा दिए। तो लोड के समांतर में जो वेल्ड हुआ है उसको हम साइड वेल्ड, साइड वेल्ड, या इसी को हम पैरेलल वेल्ड कहते हैं, साइड वेल्ड या पैरेलल वेल्ड। और लोड के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा हुआ है इसे हम एंड वेल्ड, ई एन डी, एंड वेल्ड, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है एंड वेल्ड, या इसको हम ट्रांसवर्स वेल्ड कहते हैं, ट्रांसवर्स वेल्ड, ट्रांसवर्स वेल्ड। दोस्तों एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछी जाती है, मैं बता दे रहा हूं, डिजाइन करते समय या स्ट्रेंथ गेज करते समय उसको और अच्छे से जिक्र करेंगे। ध्यान दीजिए, साइड वेल्ड जो फेल करता है वो शेयर में फेल करता है, शेयर फेल्योर। याद रखेंगे कि साइड वेल्ड या पैरेलल वेल्ड शेयर में फेल करता है, और जो ट्रांसवर्स वेल्ड या एंड वेल्ड होता है वो वास्तव में टेंशन में फेल करता है। इसके साथ भी कंडीशन है, पर आप याद रखेंगे ये टेंशन में फेल करता है। लेकिन हम डिप्लोमा के सिलेबस में चूंकि वेल्ड की टेंसाइल स्ट्रेस वेल्ड के शेयर स्ट्रेस से ज्यादा होती है, तो चूंकि इसका मान ज्यादा होता है तो स्ट्रेंथ को हम कम कह सकते हैं। जैसे अगर किसी मेंबर की स्ट्रेंथ 200 है तो उसे हम ये कह सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ 190 है, जिससे ये पता चले कि 190 ज्यादा लोड नहीं लगा सकते। तो इस टेंसाइल स्ट्रेस का मान ज्यादा है लेकिन फिर भी हम स्ट्रेंथ के रूप में कम ले सकते हैं, यानी हम इसको भी चाहें तो शेयर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दोनों तो शेयर में फेल कर ही रहा है, और हमने इसको भी क्या मान लिया कि ये भी शेयर में फेल करेगा। यानी डिप्लोमा के सिलेबस में हम लोगों को क्या मानना है कि ये तीनों ही शेयर में फेल करेगा, बल्कि वास्तव में ये टेंशन में फेल करता है। तो कंपटीशन में अगर कहीं आता है कि ट्रांसवर्स वेल्ड किसमें फेल करता है, तो आप बताओगे कि वो टेंशन में फेल करता है। लेकिन डिजाइन करते समय या स्ट्रेंथ ज्ञात करते समय हम तीनों को ही शेयर फेल्योर में कंसिडर करेंगे, ठीक है? चलिए अब आइए आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फिलेट वेल्ड, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फिलेट वेल्ड। दोस्तों अगर बात करें हम यहां पे, तो ये हमारी एक प्लेट है
और एक प्लेट ये है, और इसको हमने किसकी सहायता से जोड़ा है, वेल्ड की सहायता से, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया और ऐसे जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ा हमने। अगर इसको हम एलिवेशन में देखेंगे तो प्लेट हमारी कुछ यूं दिखेगी और वेल्डिंग इधर से दिखेगी, और इतने में वेल्डिंग की गई है दोस्तों, इधर से भी वेल्ड किया, इधर से भी वेल्ड किया और इधर से भी, लेकिन जिस साइड से भी देखेंगे वेल्ड ऐसा ही दिखेगा। अगर इधर से देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल फेस और ये वाले प्लेट का वर्टिकल फेस, फिर इधर से देखेंगे तो ये वाला हॉरिजॉन्टल फेस, इधर वाला वर्टिकल, फिर इधर से देखेंगे तो ये वाला हॉरिजॉन्टल फेस और ये वाला वर्टिकल, तो यानी कहीं से भी देखेंगे देखने में वेल्ड ऐसा ही दिखेगा। अब इसी को समझते थोड़ा बड़ा बड़ा कर, इसी चीज को हम बड़ा बना रहे हैं, ये बना दिया हमने ऐसे, ऐसे बना दिया हमने, समझाने के लिए। जहां से वेल्डिंग, जहां तक इसको हम रूट कह रहे हैं रूट, और इसको हम टो कहते हैं टी ओ ई टो, और इसको भी हम टो कहते हैं टो, रूट और टो, और रूट और टो के बीच की लंबाई को हम लेग कहते हैं एल ई जी लेग, और इसको भी क्या कहते हैं लेग। दोस्तों सारी बात समझ मारी हुई, इसको हमने लेग कह दिया, इसको हमने लेग कह दिया, इसको हमने रूट कह दिया, ये रूट हो गया। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों लेग की लंबाई में से यदि दोनों लेग की लंबाई समान होगी तो उस फ्लेट वेल्ड को, बहुत कुछ लिखा नहीं है दोस्तों, समय कम है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं हर चीज बता दो, लिखाने की जरूरत ना पड़े, तो यदि फ्लेट वेल्ड में दोनों लेग की लंबाई समान हो तो उस फ्लेट वेल्ड को इक्वल फ्लेट वेल्ड कहते हैं, और यदि किसी वेल्ड में दोनों लेग की लंबाई असमान हो तो उसे अनइक्वल फ्लेट वेल्ड कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, इस रूट से इस कर्ण पर डाले गए लंब को, इसकी लंबाई को हम वेल्ड की मोटाई कहते हैं, वेल्ड की मिनिमम मोटाई, और इसी वेल्ड की मिनिमम मोटाई को हम थ्रॉट थिकनेस कहते हैं। तो दोस्तों अगर एक लाइन में हम बात करें तो वेल्ड में, फिलेट वेल्ड में ले देकर अगर कुछ है तो वो थ्रॉट थिकनेस ही है, जिसको हमें खूब अच्छे से समझने की जरूरत है। तो अब जो हमारा मेन मोटिव है वो थ्रॉट थिकनेस को समझाना है, तो ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम एक ऐसा डायग्राम बनाने वाले हैं जिसके आधार पर हम केवल और केवल थ्रॉट थिकनेस समझाने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे थ्रॉट थिकनेस क्या है, अगर जरा थोड़ा और अच्छे से डायग्राम से हम समझाने की कोशिश करें आपको तो ये बात बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इधर ध्यान दीजिए, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है दोस्तों, और हम इधर से लोड लगा रहे हैं और इधर से, पी लोड इधर और पी लोड इधर, और वेल्डिंग कहां से करना शुरू की, इधर से वेल्ड करना, यहां वेल्डिंग शुरू कर दिया, वेल्ड कर रहे हैं, वेल्डिंग करने लगे, वेल्ड यहां तक किया हम लोगों ने, ऐसे ऐसे ही वेल्डिंग होती है, आप देखे होंगे इस तरीके से वेल्डिंग हम कर दिए, आप समझ गए होंगे वेल्डिंग ऐसे करते हैं। इसी चीज को हम थोड़ा दूसरी तरीके समझाना चाह रहे हैं, कैसे समझा जा रहा है इसको, हम ऐसे समझाना चाह रहे हैं, ऐसे जैसा हमने बनाया था वहां, और ऐसे मार्कर चेंज कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे यहां, और इतने में वेल्डिंग हुई है। जब लोड लगाएंगे दोस्तों तो ये वेल्ड वहां से फेल करेगा, लंबाई तो इसकी L है, लंबाई इसकी L है, अब जैसे ही लोड लगाएंगे ये वहां से फेल करेगा जहां से वेल्ड की मोटाई कम होगी। आप जानते हो किसी भी त्रिभुज में जो रूट से कर्ण पर डाले गए लंब की मोटाई होती वही सबसे कम मोटाई होती है किसी भी त्रिभुज में, खासकर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें तो होगी। तो अगर इस पर हम लंब की लंबाई, लंब की मोटाई की बात करें तो ये मोटाई सबसे कम होगी, और मोटाई सबसे कम हो गई है और लंबाई L है,
तो अगर हम बात करें सही तरीके से, जरा समझिए इधर, तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे, और इधर एक बीच में ऐसा प्लेन बन गया, ऐसा आप एकदम साफ समझ पा रहे होंगे। और जैसे ही लोड लगाएंगे वेल्ड हमारा इसी प्लेन से फेल करेगा, क्यों? क्योंकि इसी प्लेन का एरिया सबसे कम होगा, क्योंकि लंबाई तो L है, लंबाई L है और मोटाई मिनिमम ले लिए हम, तो जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? मिनिमम आएगा, क्योंकि लंबाई तो हमें हर बार L लेनी है, और अगर इसके अलावा कोई भी और मोटाई लेंगे तो क्षेत्रफल ज्यादा आएगा, तो जब क्षेत्रफल ज्यादा आएगा तो वेल्ड मजबूत होगी, तो इसलिए हम मिनिमम एरिया को लेना चाह रहे थे। तो दोस्तों ये बात तो समझ में आ गई होगी कि रूट से कर्ण पर डाले गए लंब की मोटाई को हम थ्रॉड थिकनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रॉड थिकनेस, थ्रॉड थिकनेस कहते हैं, थ्रॉड थिकनेस टी। परिभाषा फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लिखा नहीं रहे हैं, कि वेल्ड के रूट से इसके कण पर डाले गए लंब की मोटाई को थ्रॉड थिकनेस कहते हैं, या यूं कह ले कि थ्रॉड थिकनेस वेल्ड की वह मिनिमम मोटाई है जहां से वेल्ड फेल करता है, या यूं कह ले कि वेल्ड का फेल्योर प्लेन थ्रॉड थिकनेस से होकर जाता है, यानी फिलेट वेल्ड जब भी फेल करेगा वो थ्रॉड थिकनेस से होते हुए फेल करेगा, यानी इसी एरिया से फेल करेगा, इस एरिया से, ये आप देख रहे हैं जो एरिया, इसी एरिया से वो फेल करेगा। तो अगर हमें इस वेल्ड की स्ट्रेंथ ज्ञात करनी होती, बहुत करीब पहुंच गए हैं, अगर हमें इस वेल्ड की स्ट्रेंथ ज्ञात करनी होती तो हम क्या करते, एल में टी से गुणा करते तो एरिया आ जाता। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ बराबर परमिसिबल स्ट्रेस इंटू एरिया, परमिसिबल स्ट्रेस इंटू एरिया। तो वेल्ड का परमिसिबल स्ट्रेस प्रश्न में आपको दिया रहेगा 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हमें वो एरिया कैलकुलेट करना है लोड जिस एरिया पर, लोड वेल्ड के जिस एरिया पर कार्य कर रहा है, और वो एरिया है एल इंटू टी, जहां टी क्या है? थ्रॉड थिकनेस। तो जब एरिया मालूम हो गया दोस्तों, तो क्या वेल्ड की स्ट्रेंथ नहीं ज्ञात कर सकते? बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा? लंबाई गुणे थ्रॉड थिकनेस, वेल्ड की लंबाई गुणे थ्रॉड थिकनेस और गुणे वेल्ड का परमिसिबल स्ट्रेस, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मतलब समझ गए होंगे आप, इफेक्टिव एरिया मिनिमम एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ वेल्ड। इससे पहले दोस्तों एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि जिस समय हम वेल्डिंग शुरू करते हैं ना, तो जहां से वेल्ड स्टार्ट करते हैं वहां लगभग साइज ऑफ वेल्ड के बराबर प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो पाती, और फिर जहां से वेल्ड हम खत्म करते हैं वहां भी लगभग साइज ऑफ वेल्ड के बराबर वेल्डिंग नहीं हो पाती। तो दोनों किनारों पर साइज ऑफ वेल्ड के बराबर अच्छी तरह से वेल्डिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो पोर्शन स्ट्रेंथ सहने के लिए भी पूरी तरीके से कैपेबल नहीं होता, इसलिए उस पोर्शन को हम छोड़ ही देते हैं। तो जितनी लंबाई में वास्तव में वेल्डिंग करनी होती है वो वेल्ड की वास्तविक लंबाई होती है, उसे हम एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड कहते हैं। लेकिन कभी भी वेल्ड की एक्चुअल लेंथ लोड सहने में भाग नहीं लेती, क्योंकि शुरुआत और अंत में साइज ऑफ वेल्ड के बराबर प्रॉपर वेल्डिंग नहीं होती, अर्थात बीच में जितनी अच्छी वेल्डिंग होगी उतनी किनारों पर वेल्डिंग नहीं होती। तो क्या किया हमने कि दोनों किनारों पर साइज ऑफ वेल्ड के बराबर वेल्डिंग को हमने छोड़ दिया और बचे हुए पोर्शन में वेल्ड की स्ट्रेंथ ज्ञात की। तो बची हुई जो लंबाई है उस लंबाई को हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, प्रभावी लंबाई, वेल्ड की प्रभावी लंबाई। तो दोस्तों वेल्ड की प्रभावी लंबाई कैसे आई? एक्चुअल लेंथ माइनस दो गुणे साइज ऑफ वेल्ड। तो अगर हम यहां बात करें इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड,
इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड की यदि बात करें हम दोस्तों, तो होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड, एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड क्या है? ये जो लेग है ना, इसको लेग कहा था हमने, याद करिए, इसको हमने लेग कहा था, LEG और LEG। इस लेग को ही हम साइज ऑफ वेल्ड कह सकते हैं यदि दोनों लेग की लंबाई समान हो तब। साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा? मिनिमम, मिनिमम लेंथ ऑफ लेग। साइज ऑफ वेल्ड को हम स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं, तो मिनिमम लेंथ ऑफ लेग। तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात तो तब आएगी जब दोनों लेग की लंबाई असमान हो। जब दोनों लेग की लंबाई समान होगी तब तो जो लेग होगी वही साइज ऑफ वेल्ड होगी। जैसे मान लो कि इसका मान 8 mm आ गया, इसका मान 6 mm। कोई पूछे कि साइज ऑफ वेल्ड क्या है, तो इन दोनों में कम 6 है तो s बराबर 6 mm हो जाएगा। लेकिन ये भी 6 हो और ये भी 6 हो तब तो साइज ऑफ वेल्ड 6 mm होगा। तो साइज ऑफ वेल्ड क्या है? इसके रूट से किसी भी एक तरफ मिनिमम जितनी दूरी तक वेल्डिंग की गई है उसे हम साइज ऑफ वेल्ड कह रहे हैं। तो 2 × साइज ऑफ वेल्ड, तो एक फॉर्मूला बन गया स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल माइनस 2s। दोस्तों बात सबके समझ में आ रही होगी कि इफेक्टिव लेंथ वो लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ है जो लोड को सहने में भाग लेगी, एक्चुअल लेंथ लोड को सहने में भाग नहीं लेगी। तो स्ट्रेंथ के फॉर्मूले से जो हम लंबाई निकालते भी है ना, वो भी इफेक्टिव लंबाई ही होती है, आगे उसकी बात करेंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड, जितनी लंबाई में वेल्डिंग करनी है। फिर समझ गए होंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड से कुछ कम होगी। कितनी कम होगी? दोनों तरफ साइज ऑफ वेल्ड के बराबर कम होगी और इफेक्टिव लेंथ ही लोड को बियर करेगी। और स्ट्रेंथ में जो लंबाई ली जाएगी वो इफेक्टिव ली जाएगी, ना कि एक्चुअल। और एक बात और, प्रश्न में अगर प्रश्न में लंबाई का कोई जिक्र ही ना किया हो किसी भी प्रश्न में, तो उसे हम अपने मन से इफेक्टिव लेंथ मान के और प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अपने मन से इफेक्टिव लेंथ मान के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। या चित्र में बना के अगर कोई लंबाई दिखाया हुआ है तो वो चित्र वाली लंबाई भी इफेक्टिव ही कंसिडर की जाएगी। यानी जब तक प्रश्न में साफ साफ ये ना कहे कि ये वेल्ड की वास्तविक लंबाई है, तब तक हम उसे वास्तविक लंबाई नहीं मानेंगे। यानी हमारा सारा काम जो चलेगा वो इफेक्टिव लेंथ से चलेगा और स्ट्रेंथ भी जो हम ज्ञात करेंगे वो इफेक्टिव लेंथ से। तब हम अपने पुराने उसी टॉपिक पे आते हैं फिर यहाँ पे, क्या कि ये जो स्मॉल एल है वो इफेक्टिव लेंथ है। दोस्तों स्मॉल एल ये हो गया और मोटाई थ्रॉड थिकनेस, तो क्या हो गया? एल इंटू टी क्या हो गया? एरिया इंटू एफ एस परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड बड़े आसानी से हम लोग निकाल लिए, तो निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे रहे डायग्राम को। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड बराबर एल इंटू टी इंटू एफ एस। एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। टी क्या है? थ्रॉड थिकनेस। और एफ एस क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ वेल्ड। एस मतलब शेयर स्ट्रेस, क्योंकि फिलेट वेल्ड किसमें फेल करेगा? पहले ही बात किया था सबसे पहले शेयर में, तो इसलिए एफ एस जो है वो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ऑफ वेल्ड है। हाँ, और टी थ्रॉड थिकनेस है। दोस्तों एक बात और समझाना चाह रहे हैं, ये जो त्रिभुज बना था इस तरीके सा, इसमें ये एंगल तो 90 था, तो ये 45 होगा और ये भी 45, सभी को मालूम है, सब जानते होंगे। अगर इसमें हम लंब डाल दें तो ये भी 45, ये भी 45, ये 90 होगा, क्योंकि जब ये लंब हो गया तो ये 90 हो, ये 45 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया? 45। इसमें इसको हम क्या कह रहे हैं? साइज ऑफ वेल्ड, याद करो ना, इस एक्चुअली हम लेग कह रहे थे, उसी लेग को हम साइज ऑफ वेल्ड कह रहे थे। तो ये मालूम है और हमें ये चाहिए टी, हमें थ्रॉड थिकनेस चाहिए,
तो पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से लगा देंगे, क्या लगा दें हम, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण में कॉस 45 लें, कॉस 45 बराबर क्या हो जाएगा, आधार टी बटे कर्ण एस, साइज ऑफ बैंड। तो कॉस 45 होता है 1/√2 बराबर टी अपॉन एस। दोस्तों कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि टी रेशियो एस का मान क्या होगा, तो आप बताओगे 1/√2 कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि यहां पे हम बात करेंगे टी बराबर 1/√2 इंटू एस। ये बात भूलेंगे नहीं कि 1/√2 तब आया है जब वेल्ड के दोनों फेस के बीच, जब वेल्ड के दोनों फेस के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। दोस्तों अगर ये एंगल बदल जाए, अगर ये एंगल बदल जाए इस तरीके से हो जाए, तब तो इसकी लंबाई, तब तो इसका मान 1/√2 नहीं आएगा बल्कि कुछ और आएगा। यही अगर ऐसे हो जाए तब भी इसका मान 1/√2 नहीं आएगा बल्कि कुछ और आएगा। लेकिन ज्यादातर वेल्ड के फेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए हमने उसके लिए 1/√2 ले लिया। और चाहे तो इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, टी बराबर 0.707 इंटू एस, इसी का मान है ये। लेकिन ये याद रखें कि ये केवल वेल्ड के फेस पर निर्भर करेगा, जब ये 90 होगा तभी होगा। अगर 90 नहीं होगा तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, टी बराबर के इंटू एस। अब इस के को हम एक कॉन्स्टेंट कह दे रहे हैं और ये कह दे रहे हैं कि के का मान वेल्ड के फेस के बीच के एंगल पर निर्भर करता है। दोस्तों किताब में आपके सारणी बनाकर दी गई होगी कि किस फेस के लिए के का मान क्या लेना है। लेकिन इसमें जब थीटा का मान 60 डिग्री से 90 डिग्री हो, और थीटा का, थीटा मतलब वेल्ड फेस, एक फेस ये फेस 90 डिग्री होगा, 60 से 90 डिग्री तक, तो उस केस में हमेशा ही के का मान, हमेशा ही के का मान 0.707 लेना है हमेशा, और बाकी के एंगल को याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखेंगे कि 60 डिग्री से कम और 120 डिग्री से ज्यादा एंगल के लिए वेल्डिंग नहीं करते, क्योंकि वो वेल्ड बहुत स्टेबल नहीं होता। तो याद रखें कि आपकी 60 डिग्री से कम और 120 डिग्री से ज्यादा के लिए वेल्डिंग नहीं करेंगे। जब भी करेंगे 60 डिग्री से 120 के बीच ही करेंगे, और उस 60 से 120 के बीच में भी ज्यादातर वेल्डिंग 60 से 90 डिग्री के बीच, और उसके लिए के का मान कितना होता है 0.707। हालांकि इस के को आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट है, और इस के का मान वेल्ड के, इस के का मान वेल्ड के फेस के बीच के एंगल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों चाहे तो इस टी का मान हम यहां पर रख सकते हैं, और एक फॉर्मूला हमारा फिर बन जाएगा, मिटा दे इसको इफेक्टिव लेंथ को, मिटा दिया हमने, और एक फॉर्मूला हमारा बन गया स्ट्रेंथ बराबर एल इंटू टी की जगह के इंटू एस इंटू एफ एस, जिसमें के का मान आपको मालूम है 0.707। ये मान नोन रहेगा, यानी अगर किसी वेल्ड की लंबाई और साइज ऑफ वेल्ड मालूम हो तो बड़े आसानी से स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वेल्ड की स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। एक बार और थोड़ा सा मिटा दे इसको, समझ रहे होंगे चीजों। दोस्तों वेल्ड बहुत ही आसान चैप्टर है, और इसमें थ्रॉड थिकनेस वाली बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें सारा खेल थ्रॉड थिकनेस का है। वेल्ड की लंबाई जैसे तैसे हम निकाल ही लेंगे, यह प्रश्न में दिया रहेगा, लेकिन टी को अच्छे से समझना होगा। टी वो मिनिमम मोटाई है जिस मोटाई से वेल्ड हमारा फिल करता है। तो प्रश्न आपकी किताब में ऐसे दिया होगा, प्रश्न पे आ जाए जरा एकदम सीधे सीधे, तो प्रश्न आपके में ऐसे दिया होगा, ऐसे ऐसे वेल्डिंग कर दिया, इस तरीके से वेल्डिंग कर दिया दोस्तों, पी लोड लगा दिया, कह दिया कि ये 200 mm है, ये 200 mm है, और ये 100 mm है। कह दिया कि इस वेल्ड को, इस वेल्ड को 6 mm साइज ऑफ वेल्ड से जोड़ा गया है, और वेल्ड की परमिसिबल स्ट्रेस 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो पूछेगा कि वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, या इस पर मैक्सिमम कितना लोड लगाया जा सकता है। तो दोस्तों जब भी प्लेट की मोटाई नहीं देगा तो ये अंडरस्टूड है, हम खुद से मान लेंगे कि प्लेट की स्ट्रेंथ ज्यादा ही आएगी इस जॉइंट की स्ट्रेंथ से, अंडरस्टूड है।
अगर मोटाई दी गई है तो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। कैसे निकालोगे? बी इंटू टी इंटू सिग्मा टी से, बी ये है, टी दिया रहेगा और सिग्मा टी से गुणा करके प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेंगे। और ये जॉइंट की स्ट्रेंथ है कौन सी निकाले अभी, पी बराबर एल इंटू टी इंटू एफ एस, एल इंटू टी की जगह के इंटू एस इंटू एफ एस। एल का मान पूरा लेंगे 200, 100 और 200, क्योंकि ये तो था ही, क्योंकि लोड को कौन कौन वेल्ड है, ये वाला वेल्ड और ये वाला, तीनों वेल्ड मिलकर बियर करेगा। एक्चुअली ये दोनों शेयर में और ये टेंशन में, लेकिन हमने इसको भी शेयर ले लिया था। अब जब भी लेंगे हम फिलेट वेल्ड में तीनों लंबाई को जोड़ देंगे, जब लोड इसके सीजी से होकर जाएगा तब। तो तीनों लोड को हमने जोड़ दिया, 200, 200 और 100, 500 हो गया। तो यहां कितना रख देंगे, 500 गुणा के कमान 0.707 इंटू एस कमान 6 इंटू इस कमान 110। दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरीके से वेल्ड की हम स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेंगे बहुत ही आसानी से। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड की बात किए हैं, फ्लेट वेल्ड की स्ट्रेंथ में कोई दम नहीं है और ना ही इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वेल्ड का महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल डिजाइन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग वेल्डेड जॉइंट के डिजाइन से रिलेटेड बात करेंगे, वेल्डेड जॉइंट के डिजाइन स्टेप्स और उसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ से रिलेटेड प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे आज के वीडियो में।